जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। देखिए, पिछले कई साल से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे पोल्यूशन फ्री मुंबई हो और एनवायरनमेंट को लेके पूरे देश में काफ़ी जागरूकता पिछले कई सालों से लोगों के अंदर आई है, लेकिन आज हमने मैंग्रोव सेव मैंग्रोव करके एक ड्राइव का मुंबई में शुरुआत कर रहे हैं। मैंग्रोव आप सबको पता है कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय है मुंबई के लिए, और जब मुंबई में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो मैंग्रोव को बचाना, और आज बहुत से लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मैंग्रोव को काट के लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा है, वहाँ पे इलीगल तरह के कंस्ट्रक्शन और झोपड़ों को बना के लोगों को बेचे जा रहे हैं। तो आज हमारी जागरूकता ये बहुत ज़रूरी है एज अ नागरिक, एज अ सिटीज़न और एज अ पॉलिटिकल सोशल वर्कर ऑल्सो, कि इसके प्रति एक मुहिम चालू करें। और एक आज यहाँ पे वर्सोवा में मैंग्रोव के काफ़ी बड़े इश्यूज हैं, और मलाड का ये एक ऐसा पट्टा है मुंबई का जहाँ पे एक बहुत ही मैंग्रोव की समस्या है। तो यहाँ के रेजिडेंट के साथ और हमारी सेलिब्रिटीज हम यहाँ पे हैं, उनके साथ एक सेव मैंग्रोव के ड्राइव की शुरुआत हम यहाँ पे आज कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि पिछले 2 वर्षों में जो कोस्टल रोड का काम चालू हो रहा है मुंबई में, उसमें जो CRZ की लाइन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उसको हटाई नहीं, उसको वहीं पे रखी है CRZ की लाइन को, जिसके कारण जो कोस्टल रोड और मुंबई के तट के किनारे जो बीच की लैंड बचेगी, बीच की जगह बचेगी, वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन जोन बनाया जाएगा। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि ग्रीनरी को
वैसे ही बरकरार मुंबई की रखे, साथ ही साथ एज अ सिटीजन मैंग्रोव्स को काटने के जो लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हमारी महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि एक हेल्पलाइन नंबर महाराष्ट्र में बीएमसी मुंबई में चालू करे, जो भी मैंग्रोव्स को काटने के प्रति काम करेगा उसकी कोई भी कंप्लेंट ऑनलाइन तुरंत वहाँ पर रजिस्टर हो, उसके केस खिलाफ कार्रवाई चालू हो। ये प्रयास में एक छोटा सी पहल आज हमने शुरुआत की है, मेरा ऐसा मानना है ये पहल के साथ वर्सोवा में आने वाले समय में ये इस विषय को बहुत ही गहराई से लेंगे और इसके प्रति सेव मैंग्रोव्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जी, आपको लगता है ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें एक रोल प्ले करता है? 100% आज अगर पेड़ पौधे रहेंगे, आपने देखा है कि टेम्परेचर कितना कम होता है उनके पेड़ पौधों के हिसाब से, वैसे कितने 10 करोड़ प्लांट पिछले 3 साल के अंदर सुधीर मुनगंटीवार जी ने हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर उन्होंने महाराष्ट्र में प्लांटेशन का काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ एक सिटीजन का भी जो अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग भी काफ़ी अवेयर हैं पिछले 2-3 वर्षों में। अब 5 साल में आपने देखा कि मोदी जी के आने के बाद लोगों के अंदर सह समाज के प्रति, स्वच्छता के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति काफ़ी जागरूकता आई है। तो ये एक हमारे यंगस्टर्स की भी एक पहल है कि यंगस्टर्स भी इसमें साथ में जुड़े और इस पहल के साथ इसको आगे बढ़ाएं। मैं वेरी फ्रेंकली मोहित सर ने जितने टेक्निकल बात की है वैसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ यारी रोड, जिस यही बेल्ट पे हूँ, एंड जितनी जो समझ मुझे है मैंग्रोव्स के बारे में, आई थिंक इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर आर एनवायरनमेंट बेसिकली, एंड इलीगली हो रहा है यहाँ के बेल्ट में, तो मेरे ख्याल से थोड़े से आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस नॉट, मतलब जितना मैंने सुना है वो ड्रग्स वगैरह भी होता रहता है यहाँ पर, तो ये दिस इज़ अ सीरियस इशू हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी। तो एज ए सिटीजन मेरा ये हक बनता है, मैंगोज बहुत खा लिए अब मैंग्रोव्स बचाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कई वर्षों में जिस हिसाब से मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ी है और ट्रांसपोर्टेशन को लेके सरकार ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, जिसके कारण मुंबई आज इतनी जैम सिटी और लोगों को आज ट्रांसपोर्टेशन में इतनी दिक्कत हो रही है। ठीक है, लोगों को मैसेज हम देंगे, लेकिन मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है कि पिछले 3 वर्षों में चाहे मेट्रो का एक्सपेंशन, लोकल रेलवे का, जिस हिसाब से 70 लाख लोग रोज़ ट्रैवल करते थे उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 1.25 करोड़ कर रही है अभी सरकार, 1 करोड़ लोग रोज मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर पाएंगे, कोस्टल रोड का काम है। जब आज ट्रांसपोर्टेशन मुंबई का जो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा एफिशिएंट होगा, लोग अपनी गाड़ी से कम ट्रैवल करेंगे और वो मेट्रो और रेलवे और बस को यूटिलाइज करेंगे। आज बीएसटी बस को भी चेंज करके आज सीएनजी और गैस के ऊपर इसकी बात चालू है, इलेक्ट्रिक बस की बात चालू है, बीएसटी और म्यूनसिपैलिटी उसके ऊपर टेंडर के ऊपर काम कर रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा देना ये सरकार का काम है, उससे एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, प्लास्टिक फ्री हो उसके प्रति सबकी है, पिछले 1.5 साल से प्लास्टिक को बैन करने के बाद लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है एनवायरमेंट के प्रति। आज एनवायरमेंट के साथ साथ खुद को भी हेल्दी रखना, लेकिन हेल्दी जब रखेगा बाहर वॉक करने को जाओगे तो आपका एनवायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा, तो लोगों को लगता है कि आज कंपेयर करते जब इंटरनेशनल सिटी से तो मुंबई को बहुत पोल्यूटेड माना जाता है कि रोड पे वॉक करेंगे तो धुआं इतना आता है कि उसके कारण आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। आज अलग अलग तरह की एलर्जीज ऐसी हैं कि जो बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को विद इन 2-3 ईयर्स, चाहे वो पिजन के कारण, ऐसे एनवायरनमेंट में काफ़ी इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो अभियान है, जागरूकता है, इसके कारण मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार जिस हिसाब से प्लास्टिक के प्रति, ट्रांसपोर्टेशन के प्रति, गार्डन्स को सेव रखें और नए गार्डन्स बनाएं, उनका इंक्रोचमेंट कम हो कि लोगों बच्चे उसमें आगे खेल सके, उसमें ट्री प्लांटेशन ज़्यादा हो, ये काम चालू है और 2-3 साल के अंदर काफ़ी मुंबई को आप नया मुंबई करके आपको चेंज होकर नजर आएगा। I think it's a great initiative, and I'm very happy that you know they are doing this for us, because it's obviously jitna hamare around greens rahega it's better for us also. So I think it's great. Yeah, I think they're doing a very very good job, and we should all be supportive of it, and here we are because we support the initiative, and that's why we're here to make sure that it goes through, and it goes through very well. Raji, aap kya kehna chahenge? नमस्कार जी, मोहित जी आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। एक चीज़ मैं यूथ और जो हम लोग हैं यहाँ पे वर्सोवा और लोखंडवाला, एक चीज़ सिर्फ आपसे मैं चाहता हूँ कि इनिशिएटिव अगर आप करवाएं तो बहुत अच्छी बात है, कि हम लोग ये प्रण ले लें कि जो 2-व्हीलर खरीदता है उसको कम से कम 2 पेड़ लगाए तो 2-व्हीलर मिले, और जो 4-व्हीलर खरीदता है उसको कम से कम 4 पेड़ लगाए तो उनको 4-व्हीलर का लाइसेंस या उनको रजिस्ट्रेशन नहीं। लेकिन भैया आप 4 पहिए की गाड़ी ले रहे हैं तो 4 पेड़ तो लगा दीजिए। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है तो उस हिसाब से बहुत सारे पेड़ भी लग जाएंगे, तो डेफिनेटली
पर्यावरण को कुछ ना कुछ ऐसा गुड आइडिया अली के पीछे बजरंग बली भैया प्रेरणा लेनी चाहिए कि जितने आप इंस्टाग्राम के पिक्चर्स लगाते हो ना उतने आपको पेड़ लगाने चाहिए तो पेड़ ही पेड़ होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग एक्टर्स स्क्रीन पे देखा होगा या टेलीविजन सीरियल्स में देखे होंगे, लेकिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेक ऑन सम सोशल कॉजेज एंड आई डेफिनेटली फील फॉर दिस क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक दिन वो उठे और कहे कि मामा पेड़ क्या होता है, यू नो दे हैव टू सी ट्रीज, दे हैव टू सी थिंग्स लाइक दिस एंड स्पैरोज आएंगे या दे डोंट नो, मेरे बच्चे नहीं पता कि स्पैरोज क्या होते हैं, यू नो वो छोटा है, दे व्हाट व्हाट मामा ओनली क्रोज, सो यू हैव टू टेक ऑन सम सोशल सर्विस, यू हैव टू डू समथिंग, वी कांट से के सब गवर्नमेंट करे ना या कुछ को सबसे पहले का एटीट्यूड सी देखिए मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि लोग कैसे हैं जब यू नो बहुत सारे ऑफिसेज है जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज है सेकंड फ्लोर पे बैंक्स वगैरह है तो वहाँ पे कॉर्नर जो होता है ना वहाँ पर तो लोगों की हैबिट है वो पान वान खा करके वो लोग स्पिट करते हैं तो बहुत सी जगह क्या होते हैं कि बिल्डिंग वाली जो है ना वो भगवान के अल्लाह राम जीजस ये सब चर्च मंदिर के फोटोग्राफ्स रखते ताकि वो लोग वहाँ पे स्पिट ना करें तो लोग इतने ओवर स्मार्ट है कि वो फोटोग्राफ छोड़ के बाजू में स्पिट करते पर स्पिट करना नहीं छोड़ते तो इसमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा लोगों को उसके बाद या आई थिंक हर एक नागरिक को कम से कम सिविक सेंस होना चाहिए वो सिविक सेंस जो जब कोई आपको देख नहीं रहा हो आप क्या कर सकते हो आपके देश के लिए। मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ कि जो भी प्लास्टिक घर में आता है हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट आई डोंट यूज़ प्लास्टिक ऑन माई ओन लेकिन अक्सर यू नो हमें कुछ मिलता है प्लास्टिक में कंटेनर मिलते हैं एंड दे नो इट। इनफैक्ट जब हम लोग सिनेमा हॉल्स जाते हैं और वो लोग पेपर कप्स देते हैं हमें मेरा बोथ माई चिल्ड्रन नो के ओ हो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। घर से मैं कप लेती हूँ घर से मैं बॉटल लेती हूँ एंड दे नो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस। सो अगर हर एक माँ अपने बच्चों को सिखाएगी कि ये आपको करना है तो आई कैन टेल यू एंड आई कैन अश्योर यू कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको अगर डिफरेंस नहीं महसूस होगा तो यू कैन चेंज माई नेम। इट्स अ मदर्स ड्यूटी टू टीच हर चिल्ड्रेन बिकॉज वी आर गोना सेव मदर अर्थ एंड दिस इज आवर कंट्री। पहले मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 65 सालों में समुंदर का पानी आप मुंबई के तटों पर ऐसा काला हो गया है कि लोग उसके अंदर पैर भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आज तक कभी भी भारत सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी कि कौन सा पानी समुंदर में जाएगा तो जितना वेस्ट आता था वो वेस्ट चाहे इंडस्ट्रियल हो या होम यूज्ड हो या कमर्शियल हो सब पूरा समुंदर में जाता था। पिछले 1.5 साल में महाराष्ट्र सरकार ने और भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि समुंदर के अंदर जो पानी और वेस्ट जाएगा वो प्योरीफाई होके जाना चाहिए ऐसे आप कोई भी वेस्ट फिल्टर बिना फिल्टर वेस्ट आप उसमें नहीं डाल सकते हो। लेकिन आज बहुत अच्छा वर्सोवा के अंदर हमने देखा है पिछले 5 साल से काफ़ी यूथ इसको बीच क्लीनिंग का काम कर रहा था आज इतना सुंदर बीच है तो ये आज लोगों की जागरूकता थी जो आज वर्सोवा का बीच इतना क्लीन हुआ है और मुंबई में सब बीचेस के प्रति काफ़ी यूथ आगे आया कि उसको क्लीन अप करने के लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि वर्सोवा में आज वो अफरोज एक आज मिसाल है जिसने पूरे इंडिया ने उसको फॉलो किया। ऐसे ही ये मैंग्रोव और एनवायरमेंट और प्लास्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी इशू जो सरकार और सिटीजन मिलके मुंबई को एक ग्रीन सिटी और मोदी जी का 2022 में जो सपना है ग्रीन सिटी और क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया ये सपना जरूर पूरा होगा। इसकी एक छोटी सी शुरुआत हम युवा और ये हमारे जो सेलिब्रिटीज जो आज लोगों का चेहरा है और लोग इनको फॉलो करते हैं यहाँ से एक सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं। आपसे और आप दोनों से भी जानना चाहेंगे आपके थॉट्स। I think, ladies first. मेरा मानना यही है कि मैं एक मेंटल वेलनेस के लिए काम करती हूँ जो है कि मन शांति कैसे मिले और इसमें मैनग्रोव्स का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसका कारण ये है कि वॉट इज़ मैनग्रोव्स मैनग्रोव्स इज़ पार्ट ऑफ आर इकोसिस्टम। इसके वजह से काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं पशु पक्षी जो है वो जीवित है और अगर मैनग्रोव्स नहीं रहेंगे तो ये सब गायब हो जाएंगे एंड टू कम्प्लीट द इकोसिस्टम जो हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत रैपिड तरीके से बहुत जल्दी जल्दी इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सो इट बिकम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम रोके अगर हम देखते हैं कि मैनग्रोव्स डिसअपियर हो रहे हैं तो हम अपने आप के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और स्टेप्स ले ताकि ये ना हो। थैंक यू बख्तियार। आई थिंक मैं टोटली सहमत हूँ तनाज से अली असगर से कि अगर हम लोग हमारा इनिशिएटिव ना लें एज ह्यूमंस एज सिटीजंस देन आई डोंट थिंक वी नीड टू ब्लेम द
गवर्नमेंट फॉर ईच एंड एवरी थिंग, यू नो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कोई काम नहीं करता है, किसको वोट दे, इसको वोट दे, पूरे चर्चा ड्यूरिंग द वोटिंग इज अबाउट तुमने क्या किया है फॉर द सोसाइटी, एज इन वेयर डू यू स्टार्ट, यू नो. सो दिस इज आई थिंक मेरे लिए ये एक इनिशिएटिव है कि मैं कहाँ तो अपना हाथ डाल रहा हूँ, कहीं तो अपने आप को इनिशिएटिव में डाल रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ लोगों को, आई थिंक थ्रू माई वॉइस, थ्रू माई फेस, के बॉस, यू नो, आई एम सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव एज अ ह्यूमन. Forget as a celebrity, as a human, I feel it's my right to support this, and that's why I'm doing this. Vindu and Prasad ji bhi hain hamare saath. Please aap step forward kariye aur please apne thoughts bataiye. Dekho, aapko samajhna padega, hum log jo do dhari talwar hoti hai waise situation mein aa jate hain, kyunki aapko hame lagta hai ki coastal road ki Mumbai ko sabse zyada सख्त ज़रूरत है, और जो भी कोस्टल रोड को ओपोज करता है मुझे लगता है बहुत गलत कर रहा है. जब 16 मिनट लग जाते हैं 1 किलोमीटर जाने के लिए, और हम सब के फेफड़े हैं वैसे ही, ये जो मैंग्रोव्स हैं इंडिया, ये मुंबई के फेफड़े हैं, ये इनकी वजह से हमें बहुत अच्छी फ्रेश हवा मिलती है. तो ये जितना हो सके हमें बचाना है. अगर कोई रेलवे या मेट्रो के लिए कोई शेड बनने के लिए थोड़े से कट रहे हैं तो उतने ही और रीप्लांट किए जाएँ, लेकिन कोई आदमी आके इन्हें काट के एक हट बना के बेचे वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके मैंग्रोव्स को आप फ़ोटो खींचें, वो फ़ोटो अपने पास रखें, और कभी भी आपको कुछ कटते वटते दिखे तो इमीडिएटली फ़ोटो खींच के अथॉरिटीज़ को करें. हम लोगों को पता है कि बीजेपी ने जितनी ब्यूटीफुली पिछले 5 साल में इंडिया को चलाया, आज तक हिस्ट्री में किसी ने चलाया, और अगले 5 साल में मोदी जी जो करिश्मा करने वाले हैं उसमें अगर हम सब का फ़र्ज़ बनता है उनका हाथ बढ़ाएँ, हम सब भी साथ दें, सिर्फ उनसे सब कुछ ना एक्सपेक्ट करें. तो प्लीज़ एक भी मैंग्रोव कटने ना दें, और अगर कोस्टल रोड के लिए कुछ कट रहा है तो वो लोग अपने आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगाएंगे. मुझे बड़ा मज़ा आता है पेड़ लगाने में, मैं पेड़ हमेशा लगाता रहता हूँ, और जब वो पेड़ बड़े होते थे जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. तो सब लोग प्लीज़ अपने अपने घर के बाहर पेड़ लगाते जाएँ, ताकि थोड़े बहुत अगर पेड़ काटने पड़ते हैं कुछ रोड एक्सटेंड करने के लिए तो उसमें कुछ सोच नहीं होनी चाहिए. मुझे लगता है जब भी रोड बड़ी होने के लिए पेड़ कटना है तो कटना चाहिए, और उसकी जगह 100 पेड़ अपने आप लगा दें. मैंने बहुत पेड़ लगाए हैं, इस बार बारिश की वेट कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है. गॉड ब्लेस. होने के नाते भारतीय जनता युवा मोर्चा और हमारे अध्यक्ष मोहित कंबोज जी का मनोपूर्वक आभार मानूंगा, क्योंकि एक इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन कि मैनग्रोव्स को बचाओ और देश को बचाओ, और मैं यही नारे को आगे लेके एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा. एक सरकार का भाग होने के नाते जैसे मलेशिया या सिंगापुर में मैनग्रोव्स पार्क बनाए गए हैं जहाँ पर लोग जाके खुद फोटोग्राफी करते हैं या उनकी एन्जॉयमेंट टाइम वहाँ पे बिताते हैं या शिप से जाके मैनग्रोव्स को देखते हैं, वैसा ही एक पार्क हम लोग वर्सोवा में भी डेवलप कर पाएंगे अगर हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि उसमें इनिशिएटिव लेंगे. ये इनिशिएटिव में आज सभी हमारे फिल्म स्टार्स हो, टीवी एक्टर्स हो, सारे कार्यकर्ता हो या इधर के सिटीजन हो, उन्होंने सभी ने आगे आने की पहल की है. इस पहल के साथ एक विधानसभा का सदस्य होने के नाते मोहित के साथ और इन लोगों के साथ मैं कायम रहूँगा, और मैनग्रोव्स की कोई भी अगर चर्चा होगी, मैनग्रोव्स के बारे में अगर कोई भी विषय होगा तो उसको महाराष्ट्र विधानमंडल में लाने के लिए मैं समर्थ हूँ. मोहित कंबोज के साथ कायम रहूँगा, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ. नया भारत के साथ हरा भारत होगा, यही मैं आपको बताना चाहूँगा. मैं एक तो बहुत खुशी की बात है कि ये इनिशिएटिव लिया गया है एंड इसके बारे में सोचा गया है. मैं अभी ऑस्ट्रिया से आई थी और मैं वही देख रही थी कि सैटरडे संडे फैमिली गोज विद द एवरीबडी गोज एंड सिट इन द पार्क, उनके वहाँ इतनी फैसिलिटी होती है और हमारे ऐसा कुछ नहीं होता है. तो मैनग्रोव्स को सेव करने के लिए वर्ल्ड एनवायरमेंट पर ये जो इन्होंने स्टेप लिया है, ऑब्वियसली वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट एंड हमेशा हम सपोर्ट करेंगे. एक तो हमारी गवर्नमेंट को, सेकेंडली ये कॉज बहुत अच्छा है जो इन्होंने लिया है. अगर हम बींग एन एक्टर नहीं सपोर्ट करेंगे तो आम जनता कैसे उसके लिए बारे में अवेयरनेस होगा और कैसे वो सपोर्ट करेगी. सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ इट एंड मेरा सपोर्ट आप लोग के साथ हमेशा रहेगा. 100% हर साल इसको करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे नहीं, वर्सोवा नहीं, चाहे मलाड है या जितने भी कोस्टल एरियाज हैं आज चारकोप के पीछे के, वहाँ तक इसको लेके जाएंगे और लोगों को इसके जागरूकता के साथ जोड़ेंगे. 100% बढ़ेगा. आपने देखा है एनवायरनमेंट के प्रति युवाओं में वैसे काफ़ी जोश है, और जब से पिछले 5 वर्षों से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति एक उत्साह भी है, और मोदी जी के स्वच्छ भारत, चाहे एनवायरनमेंट है, चाहे योगा है, तो युवाओं को काफ़ी उसके प्रति लगाव भी है, और आने वाले समय में अपने धरती को, माँ धरती को बचाने के लिए और उसके प्रति, चाहे पेड़ है, चाहे पॉल्यूशन है, प्लास्टिक है, सब लोग मिलकर इसके लिए काम करेंगे. थैंक यू. सबसे पहले मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आप सब यहाँ पे कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ पे आए, साथ ही सभी यहाँ पे कार्यकर्ताओं का. आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक छोटी सी मुहिम हमने सेव मैंग्रोव्स करके वर्सोवा विधानसभा में की है, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ये पूरी मुहिम पूरे मुंबई में काफ़ी एक
महत्वपूर्ण इशू है जिसको पूरे कोस्टल ट्रैक के ऊपर बहुत ही गहराई से लेना चाहिए। आज मैंग्रोव में जिस हिसाब से इंक्रोचमेंट हो रहा है और वहाँ पे इलीगल तरीके से छोटे छोटे घर बनाकर आज से बेचे जा रहे हैं और फिशरमैन को भी उससे तकलीफ हो रही है और कोस्टल के एटमॉस्फेयर को भी इससे तकलीफ हो रही है। और कोस्टल रोड का जो काम पिछले साल मुंबई में चालू हुआ है उसके बाद बहुत ही अच्छा एक निर्णय पूरे महाराष्ट्र में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर लिया कि कोस्टल रोड और मुंबई के तट के बीच में जो भी जगह बचेगी उसका सीआरजेड का लाइन उन्होंने चेंज नहीं किया। लाइन चेंज नहीं करने के कारण आज जो बीच का गैप जो बचा है वहां पे पूरा ग्रीन जोन करके मुंबई कोस्टल रोड और समुन्द्र के किनारे के बीच में पूरा ग्रीन जोन बनेगा। सरकार काफी जागरूक है, महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार एनवायरमेंट को लेके, लेकिन उसके साथ साथ आज हम युवा और रेजिडेंट उनको भी काफ़ी जागरूक होने की ज़रूरत है। और जो एक एज ए सिटीज़न जो पिछले कई वर्षों से आज पोल्यूशन हो, प्लास्टिक हो, हेल्थ हो, योगा हो, आपने देखा है कि पिछले 5 वर्षों से काफ़ी युवा और देश के नागरिक जागरूक हुए देश के प्रति। और मैंग्रोव एक छोटी सी मुहिम है जिसकी शुरुआत मैंने की है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए आए और इसको हर साल थोड़े थोड़े साथ जुड़ते रहेंगे और इस मुहिम को बड़ा करते रहेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर इसकी शुरुआत हो कि आज के जो हमने वॉक निकाली उस वॉक का पूरा निचोड़ क्या है, तो मेरा सम्मान है महाराष्ट्र सरकार को, हम इसका आज यहाँ पे शाम को रात को मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करेंगे कि एक हेल्पलाइन नंबर बीएमसी के अंदर आप म्यूनसिपल कमिश्नर को बोल के चालू करें और मैंग्रोव के अंदर जो भी कटिंग करता है, इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट करता है, उसको 24 आवर्स के अंदर उसके अंदर एक्शन होना चाहिए, उसको रीइंस्टेट करना चाहिए। ये एक मुहिम के साथ आज का एक हम इसकी शुरुआत करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है यहाँ के रेजिडेंट जितने वर्षों के हैं काफ़ी जागरूक हैं और पूरे देश में क्लीन बीच की जो शुरुआत वर्सोवा से हुई आज पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने देखा काफ़ी उसके लोगों ने उसको सराहा है, तो मेरा मानना है कि इसकी एक शुरुआत है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जाते हैं वहाँ पे, पार्क्स होते हैं फैमिली के लिए, ब्यूटीफुल जगह होती है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करने से मैंग्रोव पार्क बनने चाहिए और जिससे फिशरमैन को प्रॉब्लम नहीं हो, सबको प्रॉब्लम नहीं हो, ये बहुत अच्छा काम है। इसलिए हम एक्टर होके जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो आम जनता उसे फॉलो कैसे करेगी। सो माई सपोर्ट इज ऑल। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।